हम सब अपने अपने जीवन में जो कुछ भी सुनते हैं और जो कुछ भी देखते हैं या फिर जो कुछ भी जानते हैं वो सब हमारे माता पिता के शब्दों से हम सुनते हैं, उनकी आंखों से वो हमें दिखाते हैं और उनकी तजुर्बे से वो हमें सब कुछ दिखाते भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में सीखता है, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी बनता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके माता पिता के होते हैं, उसके साथ रहने वाले परिवार के होते हैं, उसके अपने भाई बहन के होते हैं, उस व्यक्ति के करीब जितने लोग रहते हैं और अधिक समय जितने लोग उससे बिताते हैं, उन सबका सहयोग, उन सबका योगदान उस व्यक्ति के जीवन में होता है। मनुष्य के जीवन की आम बातों से बढ़कर परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, देवों के बारे में, देवताओं के बारे में जो कुछ भी मनुष्य जानता है वो अपने माता पिता से सबसे पहले सुनता है, अपने पूर्वजों से सुनता है, अपने पुरखाओं से सुनता है, और जो कुछ भी वो सुनता है उसे विश्वास कर लेता है, और जो कुछ भी उसके घर पर दिखाई पड़ता है उसे गुमान को चलने लगता है। उसके घर पर जिस प्रकार की प्रार्थना या फिर आराधना होती है, उसके घर पर जो प्रकार के धर्म के ग्रंथ होते हैं, उसके घर पर जिस प्रकार के देवता देव या फिर ईश्वर या परमेश्वर जो भी होते हैं, उसके घर पर जिस प्रकार की याचना, जिस प्रकार की उपासना होती है, उन सबों को वो देखता है और उनका अनुसरण करने लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माता पिता से ये सवाल करते हैं कि हम इस धर्म को क्यों मानते हैं, हम इस भगवान को क्यों मानते हैं, हम ऐसी पूजा क्यों करते हैं, हम इस प्रकार के रीति रिवाजों को क्यों पालन करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता, उनके पुरखा इस प्रकार से उनको सिखा देते हैं या फिर उनकी आंखों के सामने इस प्रकार से दिखाते हैं या फिर बचपन से ही उनके हाथों से ऐसे काम करवाते हैं जिनके विषय में सवाल पूछने का कोई गुंजाइश नहीं मिलते हैं, उन्हें मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, उन्हें ठीक समझते हैं और इसलिए उनके साथ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनके मन में जो संदेह पैदा होता है वो भी इस कारण से, क्योंकि जो कहानी उन्होंने पहले सुनी थी, जो परमेश्वर के बारे में उन्होंने सुना था, जिन भगवानों के बारे में उन्होंने सुना था, उनके विपरीत में जो भी हालतें चलने लगती हैं, इनके मन में सवाल उठते हैं, यदि परमेश्वर सच में थे, भगवान सच में थे, उनका साथ दिए हैं, माता पिता के साथ दिए हैं, पूर्वजों के साथ दिए हैं, तो आज हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं, हमारी हालत इस प्रकार से भिन्न क्यों है। ऐसे कई सारे प्रश्न मनुष्य के जीवन में खड़े होने लगते हैं। इन सारे प्रश्न का उत्तर जब मनुष्य प्राप्त कर लेता है उसे विश्वास में चलने लगता है, अगर ऐसा ना हुआ अपने विश्वास से दूर होने लगता है। आए परमेश्वर के पास अपने आप को भी लेकर चलते हैं, अगर हमारे कोई ऐसा सवाल है, कोई संदेह हमारे बीच में है, हमारे जीवन में ऐसी कोई उलझन है जिस कारण से हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा तो नहीं कर पाते हैं, हालांकि हमारे माता पिता के कारण हम उस धर्म मार्ग में चलने लगते हैं, उस धर्म उद्देश्य की बातों को सुनने लगते हैं, उस परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, उनकी उपासना करने लगते हैं। हो सकता है हमारे पूरे मन से हम उनकी आराधना नहीं करते होंगे, उनका अनुसरण नहीं करते होंगे। अगर ऐसे कोई संदेह हमारे जीवन में है तो आए परमेश्वर के पास से हम जाकर उनसे क्यों ना सवाल करें। परमेश्वर अगर आप हैं तो हम यकीन ही प्रकट करते हैं, अगर आप हमारे पुरखाओं के साथ में थे तो हमारे साथ में क्यों नहीं है। हमारे पुरखाओं ने जो कुछ भी घटनाएं बताई हैं, जो कुछ भी गवाहें बताई हैं, उसके विपरीत में हमारे जीवन क्यों है, हालत क्यों है। अगर परमेश्वर आप सच में हमारे पुरखाओं के साथ में थे और आज हमारे साथ में भी हैं, आज हमारी हालत इस प्रकार से भिन्न क्यों है, विपरीत क्यों है, हमारी हालत दुखदायी क्यों है और चिंताजनक क्यों है, परमेश्वर आप हमें बताइए। आए परमेश्वर के पास जाकर उन्हीं से मांगते हैं, उन्हीं से प्रार्थना के रूप में इन बातों को कहते हैं। हमारा मानना है, हमारा विश्वास करना है कि वो परमेश्वर देखने वाला, सुनने वाला परमेश्वर है। वे आपकी हालतों को देख रहे हैं और आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी हर एक उलझन को जानते हैं, हर एक प्रश्न को जानते हैं, आपके सारे संदेहों को जानते हैं। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर आज के दिन हमारे ध्यान के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपके पास आकर आपसे बातें करेंगे, आपकी सारे उलझनों को, सारे समस्याओं को परमेश्वर परिष्कार करते हुए आपके सारे संदेहों को बिठाकर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे। आए परमेश्वर के हाथों में अपने आप का समर्पण करते हैं, दीन और नम्र होकर एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हम सबके उत्तर को देंगे। आइए दुआ करते हैं। सारी समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है, उलझनों को दूर करने वाले परमेश्वर हैं, सारे सवालों का उत्तर देने वाले, समाधान को हम तक लेकर आने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। करुणा से, दया से, तरस से, प्रेम से हमारे पास प्रभु जी अपने गुणों को लेकर हमसे मिलने के लिए आते हैं। भले हमारे मनों में परमेश्वर कई सारे प्रश्न हैं, कई सारे सवाल हैं, कई सारे संदेह प्रभु जी उलझन हैं, लेकिन विश्वास करते परमेश्वर कि आपके अनुग्रह पर हाथ हमारे ऊपर है, जिस कारण से अभी तक हम लोग तंदुरुस्त हैं, सलामत हैं और आपके प्रभु जी दिव्य सानिध्य में सजीवों की गिनती में भी हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो कोई भी अन्य हमारे सवाल हैं, जो कोई भी हमारे संदेह हैं प्रभु, उन सबों को परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाते हुए और प्रभु जी आपके वचनों के माध्यम से उन सारे प्रश्नों का उत्तर प्रदान करते हुए प्रभु जी सारे उलझनों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्वास करते परमेश्वर आपके भक्तगणों को प्रभु जी आप मिलने के लिए जा रहे हैं। विश्वास करते परमेश्वर आपके भक्तगणों से परमेश्वर आप बातें कर रहे हैं। विश्वास करते पिता परमेश्वर आपके भक्तगणों की सारी समस्या को प्रभु जी परिष्कार कर रहे हैं। विश्वास करते पिता परमेश्वर अभी इसी समय परमेश्वर आप प्रभु जी उनके सारे संदेहों को दूर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी और प्रभु जी अभिषेक भरवा प्रभु जी तेज में प्रकाशमान हाल परमेश्वर उनके परखने के लिए दुआ करते हैं।
हैं। आशीष महाप्रभु जी शब्दों के साथ प्रभु जी उन्हें छोड़ने के लिए, प्रभु जी उनसे मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक और समय परमेश्वर अपनी धनुष से भरा प्रभु जी उनके ऊपर ले आने के लिए दुआ करते हैं। इसी वक्त परमेश्वर हमारे संग रहिए, हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के समय परमेश्वर आपके वचनों के माध्यम से हमसे बातें कर रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हुए आदर सम्मान और महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन न्यायों के ग्रंथ छठवां अध्याय में चल रही है। अब उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब इसराइल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इसराइल पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इसराइल ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। और जब जब इसराइली बीज बोते तब तब मिद्यानी अमालेकी और पूर्व के लोग इनके विरुद्ध में चढ़ाई करके अचानक चावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इसराइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और ढेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए थे। तब इसराइलों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इसराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी तब यहोवा ने इसराइल के पास एक नबी को भेजा जिसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासों के घर से निकाल ले आया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजरी योआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यान से छुपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारा संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों आ पड़ती और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र में से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तो इसराइलों को मिद्यानियों के हाथ में छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इसराइलों को क्यों छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। न्यायों के ग्रंथ छठवां अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 18 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इस अध्याय के शेष वचनों को हम कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात हम देखते हैं पहला वचन में। इसराइल ने जब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया था, हमने इससे पहले भी गौर किया है, पिछले 5 अध्याय में यही बात को परमेश्वर दोहराते आ रहे हैं। जब कभी भी इसराइली बुराई करते थे तब तक परमेश्वर ने शत्रुओं को प्रबल किया है। और आज के ध्यान में भी देखते हैं परमेश्वर ने इसराइल के विरोध में मिद्यानियों को प्रबल किया है और जिन्होंने 7 वर्ष तक इनके ऊपर अंधेर किया है। वे जब भी आते थे बड़े दल बांध कर आते थे और अपनी छावनियों को डाल डाल कर भूमि की सारी उपज नाश कर देते थे। वे इसराइलियों के लिए कुछ भी भोजन वस्तु नहीं छोड़ते थे, ना ही भेड़ बकरियों को छोड़ते थे, ना गाय बैलों को छोड़ते थे और ना ही गधे छोड़ते थे। वे अपने पशुओं के साथ आया करते थे, इसलिए टिड्डियों के दल के समान बहुत आया करते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत हुआ करते थे। वे इसलिए आते थे ताकि देश को उछाड़े। उनका एकमात्र काम था कि इसराइल के पास से जो कुछ भी अच्छा मिलता है उसे लौट कर चला जाए, अपने पशुओं के लिए खिलाए, अपने मनुष्यों के लिए खिलाए और उसके बाद में जो कुछ भी बचा है उन सबों को सत्यानाश करके चला जाए। इसलिए मिद्यानियों के डर के कारण इसराइल लोगों गुफाओं में छुपा करते थे, किलों में छुपा करते थे, पहाड़ों में छुपा करते थे और वहीं पर अपने धान को भी इकट्ठा कर रखते थे। हमने एक व्यक्ति को देखा है जिसका नाम गिदोन है। यह योआश का बेटा है। यह मनुष्य के कुल से आता है। जो स्वर्गदूत उनसे मिलने के लिए आए थे उनसे बातें करते समय स्वर्गदूत ने कहा कि गिदोन, परमेश्वर ने तुझे चुना है। गिदोन को ऐसे संबोधन नहीं किए हैं, हे शूरवीर सुरमा, उनको कहते हुए उनसे कहते हैं, परमेश्वर तेरे साथ है तो इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा।
उनका संदेह यह था, अगर परमेश्वर सच में हमारे साथ है, हमारे पुरखा जो मिस्र की कहानियां सुनाया करते थे, अगर वे सब बातें सच है तो आज हमारी दुर्दशा क्यों है और आज हमें परमेश्वर की कमी क्यों महसूस होती है। तो सर्वदूत ने कहा, निश्चय परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लिया है। सारी बातों को जो बातें उनके पुरखाओं ने सुनाए करते थे, वही सारी बातें स्वर्गदूत ने भी गिदोन को सुनाए हैं। गिदोन का संदेह था, अगर परमेश्वर सच में हमारे साथ है तो उस विपत्ति हम पर क्यों आ पड़ती है। और परमेश्वर गिदोन को जब चुनते हैं उसके बारे में संदेह को जताते हुए कहते हैं, मेरा कुल तो मनुष्य में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा भी हूँ, तो क्यों कर परमेश्वर मुझे चुनता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, निश्चय परमेश्वर तुझे ही चुनता है और तू इसी सामर्थ्य के साथ, इसी शक्ति के साथ जाएगा, मिद्यानियों को हरा कर इसराइलियों को उनके हाथ से छुड़ा कर लेकर आएगा। तब गिदोन ने स्वर्गदूत से कहा, अगर सच में परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं तो मेरे सामने चिन्हों को दिखाना होगा, और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जाकर तेरे लिए भेंट को लेकर ना आऊँ तब तक तो यहाँ से ना जाएगा। तो स्वर्गदूत ने कहा, निश्चय तेरे लौटने के समय तक मैं ही पर ठहरा रहूंगा। गिदोन परमेश्वर के सामने कैसे चिन्ह की मांग रखते हैं और क्या परमेश्वर उनकी मांग को सुनते हैं और क्या परमेश्वर उनको उत्तर देते हैं। क्या सच्चा परमेश्वर इसराइल के साथ में है और क्या सही में परमेश्वर गिदोन को भेजकर मिद्यान के हाथों से इसराइल को छुड़ाने वाले हैं। इन सारी बातों को हम लोग कल देखेंगे, लेकिन परमेश्वर के बारे में और गिदोन के बारे में दो शब्दों को कहते हुए आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर हर मनुष्य को देखते हैं, उनकी दृष्टि हमेशा मनुष्य के ऊपर रहती है, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे क्यों ना हो। हमने देखा कि 7 साल बुराई के साथ चलने वाले इसराइल को परमेश्वर किस प्रकार से अपनी दृष्टियों के ऊपर रखते हैं, और जब इसराइल ने परमेश्वर की दुहाई दी थी, उनकी दुहाई को सुनकर परमेश्वर ने किस तरह से अपने दूत को भेजा है और कैसे परमेश्वर ने उनकी छुटकारा के लिए योजना को बनाई है। परमेश्वर न केवल उनकी बातों को सुनते हैं, परमेश्वर न केवल उनको देखते हैं, पर तो परमेश्वर अपने समाधान को भी उन तक पहुँचाते हैं। इन्हीं बातों का हम अपने ध्यान में सीखते हैं। और दूसरी बात, गिदोन को संदेह होती है कि परमेश्वर उनके साथ में नहीं है, अगर होते तो ऐसी स्थिति क्यों होती है। इससे बढ़कर गिदोन ने अपने आप को जब देखा है, अपने आप को एक गरीब परिवार से देखा है और अपने आप को एक छोटा व्यक्ति के रूप में देखा है, लेकिन परमेश्वर किसी व्यक्ति को भी कंगाल या गरीब के रूप में नहीं देखते हैं, छोटा या बड़े के रूप में नहीं देखते हैं। अगर परमेश्वर उस व्यक्ति को अपनी प्रणाली में रखते हैं, उस व्यक्ति को चुनते हैं, तो निश्चय उसी व्यक्ति के कारण से परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को भी करते हैं। तो वचन सुन रहे परिजनों, परमेश्वर आपसे कहते हैं, अपने आप को कभी गरीब ना समझना, अपने आप को कभी कंगाल ना समझना, अपने आप को कभी छोटा ना समझना, और परमेश्वर है या नहीं है ऐसे संदेह कभी आने मत देना। अगर आते हैं तो निस्संदेह परमेश्वर के सामने जाकर उनसे कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे एक संदेह है कि आप हैं कि नहीं हैं, और परमेश्वर निश्चय आपके पास आएंगे और आपको उत्तर देंगे और आप ही के साथ रहेंगे। न केवल अपने आप को आपके सामने साबित करेंगे, परंतु आपकी स्थिति को बदलकर परमेश्वर हमेशा के लिए आपको आशीषित ठहराएंगे। आइए दुआ करते हैं। गिदोन के पास परमेश्वर इसराइल की छुटकारा के लिए अपने स्वर्गदूत को आपने भेजा है। हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर आज के अध्ययन में प्रभु जी अपने वचन के माध्यम से अपनी आवाज को हम तक पहुंचाए हैं, अपने मन को, अपनी आत्मा को प्रभु जी हम पर प्रकट किया है। हम शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर, आभार प्रकट करते हैं। इसराइल को आपने छुड़ाया है, हमें भी आप छुड़ाएंगे परमेश्वर, हमारे विश्वास है प्रभु जी। हमारे जीवन के सारे संघर्षों में, जीवन के सारे संकटों में, सारे तकलीफों को, मुसीबतों को दूर करते हुए अपनी आशीषमान हाथ प्रभु जी हमारे ऊपर रखते हुए, छुटकारा वाली हाथ प्रभु जी हमारे ऊपर रखते हुए, आपकी करुणा में दृष्टि प्रभु जी हम पर रखते प्रभु जी, आपकी तरस के साथ हमसे मिलते हुए, आपके अपार प्रेम में प्रभु जी आगे बढ़ाते हुए, हमारे सारे प्रभु जी गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करते हुए, हमें अपने सीने से लगा कर परमेश्वर फिर से एक बार आपके संतानों के हक प्रदान करते हुए आपकी शांति से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपनी स्वर्गीय बरकतों से भरने के लिए, सारे संदेहों को प्रभु जी, सारे सवालों को प्रभु जी, हर प्रकार के उलझन का परमेश्वर उत्तर देने के लिए, परिष्कार देने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर देवतन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने, आपकी महिमा करने के लिए, हम सबको प्रभु जी तंदुरुस्त जीवितों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ स्वर्ग लोक में प्रभु हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर देवतन के लिए फिर से एक बार शुक्र अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। दुख से भरी कोई जीवन अगर आपकी है, संकटों से भरा हुआ कोई जीवन आपका है, उलझनों से भरा हुआ अगर आपका मन है, व्याकुलता से भरा हुआ अगर आपकी भावना है या फिर आपका हृदय है, तो आज परमेश्वर के पास इन सारी चीज़ों को लेकर जाएं। उस परमेश्वर से जाकर कहें कि प्रभु मेरे ऐसे संघर्ष हैं, मेरे ऐसी तकलीफें हैं, मेरे ऐसी मुसीबतें हैं। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके पास इसी समय अपने परिष्कार को पहुँचाएंगे, आपके सारे प्रश्नों का समाधान भी लेकर आएंगे। अपने मन में शांति को आप प्राप्त करेंगे, अपने मन में चैन को आप प्राप्त करेंगे, अपने मन में विश्राम को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की महिमा को भी आप देखेंगे। परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य आपके जीवन में करते हुए आपको सबके सामने एक आशीषित और भाग्यवान व्यक्ति के रूप में ठहराए। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के भर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए।
कार्पेसियो।